तो हाय फ्रेंड्स, क्या आपने भी अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर रखा है? हाँ। और क्या अमेजोन डॉट इन वेबसाइट पर आपका एफिलिएट अकाउंट लॉगिन होने के बावजूद ये गेट लिंक का ऑप्शन या फिर ये साइट स्ट्रिप नहीं आ रही है जहाँ से आप लिंक्स जनरेट कर सकते हो? हाँ। और मुझे लगता है कि आप इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो। अरे हाँ भाई हाँ। लेकिन भाई, अभी आपको और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका भाई आपको बताएगा कि कैसे आप इस गेट लिंक वाले ऑप्शन को एनेबल कर सकते हो अपने एफिलिएट अकाउंट के लिए। रुको भाई, बताता हूँ। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आए। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। तो इसके लिए दोस्तों, आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और उसके बाद यहाँ से इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लीजिए। अगर आप ये सब एक स्मार्टफोन से कर रहे हो, अगर एक लैपटॉप या पीसी से कर रहे हो तो फिर तो आप वैसे ही डेस्कटॉप पे हो, आपको कोई मोड वगैरह ऑन नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद सबसे पहले तो मैं आपको amazon.in वेबसाइट पे जाके अपना एफिलिएट अकाउंट दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दूर दूर तक, मतलब यहाँ पे ऊपर आपको कोई भी गेट लिंक का ऑप्शन या फिर कोई साइट स्ट्रिप दिखाई नहीं दे रही है जहाँ से हम एफिलिएट लिंक्स जनरेट करते हैं। तो इसको एनेबल करने के लिए यहाँ से आपको बैक आ जाना है और उसके बाद सर्च बार पे क्लिक करके यहाँ से आपको सर्च करना है अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम। तो अभी मैं यहाँ से इसे सर्च कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे जो आपको ये फर्स्ट वाली वेबसाइट मिलती है अमेजोन एसोसिएट्स सेंट्रल, ये वेबसाइट आपको ओपन कर लेनी है और उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे ऊपर राइट कॉर्नर में आपको एक छोटा सा साइन इन का बटन मिलेगा, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ से अपने एफिलिएट अकाउंट को लॉगिन कर लीजिए। और उसके लिए आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी या फिर फोन नंबर डाल देना है जो आपके अकाउंट से लिंक्ड है और उसके बाद यहाँ पे अपने अकाउंट का पासवर्ड डाल के साइन इन पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आपका अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा और आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको अपने एफिलिएट अकाउंट की रिपोर्ट्स वगैरह देखने को मिल जाती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ही आप अमेजोन एसोसिएट्स वेबसाइट को ओपन करो तो आपका अकाउंट वहाँ पे पहले से ही लॉगिन हो रखा हो और आपके सामने डायरेक्टली ये वाला पेज ओपन हो जाए, तो उस केस में आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बस इसके आगे के जो स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं, अकाउंट लॉगिन करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और उसके बाद यहाँ पे आपको ये एक टूल्स का ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है और फिर साइट स्ट्रिप वाले इस फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको साइट स्ट्रिप एनेबल या डिसेबल करने का वैसे तो कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे ऊपर जो आपको एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें लिखा है कि साइट स्ट्रिप को कैसे आप यूज कर सकते हैं, कैसे आप इसकी हेल्प से लिंक्स जनरेट कर सकते हैं, इस पैराग्राफ के एंड में आपको एक लर्न मोर का ऑप्शन मिलता है, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको साइट स्ट्रिप की डिस्प्ले सेटिंग्स मिल जाती हैं। तो यहाँ पे जो आपको ये डिस्प्ले सेटिंग डिसेबल दिखाई दे रही है इसे आपको एनेबल कर देना है, लेकिन एनेबल करने से पहले आपको यहाँ से गेट लिंक वाला ऑप्शन और ये शेयर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेने हैं अगर ये पहले से आपको सिलेक्टेड नहीं मिलते हैं। इसको एनेबल कर देने के बाद चलो अभी हम दोबारा अपनी amazon.in वेबसाइट पे चलते हैं। चल 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 चल। तो अभी मैं जल्दी से यहाँ पे amazon.in वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। तो जैसा कि भाई आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी गेट लिंक का ऑप्शन आ गया है और अभी मैं बिंदास किसी भी प्रोडक्ट का लिंक जनरेट कर सकता हूँ। तो ऐसे ही आप भी फ्रेंड्स अपने एफिलिएट अकाउंट के लिए इस गेट लिंक वाले ऑप्शन को एनेबल कर सकते हो। लेकिन भाई, अगर इसको एनेबल करने के बाद भी आपको अपने एफिलिएट अकाउंट पे गेट लिंक का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको अपनी आंखें चेक नहीं करवानी है, वो बिल्कुल ठीक है। बट आई एम श्योर कि आप एक छोटी सी कॉमन मिस्टेक कर रहे होंगे जो कि बहुत सारे लोगों के साथ होती है, जो कि मेरे साथ भी हुई थी। और वो कॉमन सी मिस्टेक क्या है कि आपने एफिलिएट प्रोग्राम तो किसी और अकाउंट से ज्वाइन कर लिया और आप यहाँ पे किसी और अकाउंट को लॉगिन करके बैठे हो। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ से आपको अकाउंट एंड लिस्ट वाले इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ से साइन आउट पे क्लिक करके अपने इस अकाउंट को लॉग आउट कर दीजिए। और फिर यहाँ पे अगर आपको अपना सही वाला एफिलिएट अकाउंट मिल जाता है तो उस पे क्लिक करके आप उसे लॉगिन कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से आपको ऐड अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी डाल दीजिए जो आपके एफिलिएट अकाउंट से लिंक्ड है और फिर यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद अपने अकाउंट का पासवर्ड डाल के यहाँ से आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। और अगर आपको फिर मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए भी बोलता है तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है और फिर आपके पास जो ओटीपी आएगा वो यहाँ पे डाल के उसे वेरीफाई कर दीजिए। और उसके बाद जब आपका सही एफिलिएट अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा तो मैं लिख के देता हूँ कि आपको 102% अपना गेट लिंक का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। और जब आपके अकाउंट पे ये गेट लिंक वाला ऑप्शन आ जाएगा तो आप भी जरूर बोलोगे इतनी खुशी मुझे आज तक।
और अगर भाई इतनी खुशी हो रही है तो वीडियो पे लाइक ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर वीडियो से आपकी कोई भी हेल्प हुई हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।